तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक HTML, CSS और JavaScript का यूज करके प्रोग्रेस बार, जो कि चेंज होगा हमारे पेज की स्क्रॉल के ऊपर। तो यहाँ पर है हमारे पास ऑलरेडी रिटन HTML कंटेंट, जहां पर मैंने यूज कराया टेलविंड CSS का टू अप्लाई सम बेसिक CSS, और यहाँ पर मैंने एक div क्रिएट करी है जिसमें है रहेगा हमारा प्रोग्रेस बार, और उसके पास रहेंगे कुछ स्टाइल्स जिसको मैं यूज करूंगा प्रोग्रेस क्लास को उस पर अपेंड करके। window.onScroll मेथड का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमने अपनी स्क्रीन पर कब कब स्क्रॉल किया, और उसी की मदद से हम अपने प्रोग्रेस बार को उसकी डेफिनेट विड्थ प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना पेज स्क्रॉल किया है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्रेस बार की जो विड्थ है वो ज्यादा या कम हो सकती है। तो प्रोग्रेस इंडिकेटर का जो बेसिक जावास्क्रिप्ट लॉजिक है बहुत ही सिंपल है। प्रोजेक्ट इंडिकेटर को काम करने के लिए हमें चाहिए दो चीजें, जिसमें से पहली है कि हमें एक्चुअली पेज को कितना स्क्रॉल करना है, और दूसरी है कि हमने पेज को ऑलरेडी कितना स्क्रॉल कर लिया है। इन दोनों चीजों के बेस पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्रेस बार की लेंथ कितनी होगी, और हमें जितना पेज स्क्रॉल करना है वो हमारे पास आएगा हमारे पेज की हाइट माइनस हमारे क्लाइंट की हाइट से, दैट इज कि हमारा पेज कितना लंबा है और हमें स्क्रीन पर कितना पेज दिख रहा है और हमने कितना स्क्रॉल कर लिया है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे document.body.scrollTop से। तो पेज की स्क्रॉल परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे सिंपली अपने स्क्रॉल टॉप को और उसे डिवाइड कर देंगे हमारे पेज की स्क्रॉल हाइट से, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद हम उसे यूज करेंगे अपने प्रोग्रेस बार की विड्थ को चेंज करने के लिए, जो कि हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट यूज करके हम उसके स्टाइल वेरिएंट को यूज करेंगे और उसके स्टाइल की विड्थ को चेंज कर देंगे उस सर्टेन परसेंटेज से, जितना परसेंट हमने पेज को स्क्रॉल किया है। सो दिस वॉज द वीडियो, होप यू गाइज लाइक डेट, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।